जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सावन प्रारंभ हो रहे हैं और सावन में इस बार हम अचूक उपाय करने वाले हैं। सौभाग्य है हमारा कि सावन का अधिक मास भी हमें मिल रहा है, इसलिए इस बार हम डबल सावन का लुफ्त उठाएंगे। सावन का नाम आते ही कैसे मन के अंदर एक अलग सी चमक आ जाती है ना, हरियाली सी होने लगती है, सब जगह बड़ा सुंदर सुंदर और अच्छा सा महसूस होने लगता है। सावन का संबंध जल से है और जल ही जीवन है। जल के बिना हम अपना जीवन एक दिन भी सोच नहीं सकते और जल के साथ ही हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जल हर एक 10 कोस पर अपनी प्रवृत्ति बदल देता है। पानी का रंग स्वाद वैसे तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन पानी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे पानी हल्का, हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। हमारी पाचन तंत्र को चलाने में सबसे ज़्यादा सहयोग किसी का होता है ना, तो वो जल का होता है। एक स्वस्थ शरीर जल पर ही आधारित होता है, इसीलिए सावन में जितना जल बरसेगा उतना ज़्यादा हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी, अनाज अच्छे होंगे, फसलें अच्छी होंगी और हम शुद्ध और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकेंगे। और जितना पौष्टिक आहार रहेगा उतना हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, हमारी ज़िंदगी उतनी लंबी होगी, हमारे अंदर उतनी ताकत उतनी एनर्जी होगी, बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर उतनी ही प्रतिरोधक क्षमता होगी। तो सावन में हम भी जल से आज कुछ ऐसा ही दुर्लभ प्रयोग करेंगे जिससे हमारे सारे ग्रह भी सही हो जाएं और हमारे जीवन में तरक्की प्रगति और हमेशा उत्साह बना रहे, हमारी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो, हमें कभी भी कर्जे ना सताएं, हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुबेर को सोने की लंका महादेव ने दी थी और कुबेर के पास जब ये सोने की लंका थी तब वही इसके आधिपत्य थे। कुबेर से ये सोने की लंका रावण को मिल गई और उसके बाद रावण यहाँ पर राज करने लगे। सोने की लंका कुबेर को या रावण को देने में सबसे बड़ा आशीर्वाद किसका? भोलेनाथ का। और क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी तांत्रिक हमारे पास शास्त्र हैं जिसके अनुसार स्वयं भोलेनाथ के सेवक यानी कि नंदी जी भी सोना दिलवाने के लिए, सोना प्रदान करने के लिए, सोने का जीवन के अंदर आशीर्वाद देने के लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी सिर्फ उनके सेवक नहीं है बल्कि उनका हमारे जीवन के साथ बहुत अहम रिश्ता है। कैसे ये भी आपको बताऊंगी। तो चलें आरंभ करें, प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले ये तो जान लें कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब हम बात कर रहे हैं सावन की और बात कर रहे हैं पानी की, पानी के अंदर अपनी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो अपने आप को बदल लेता है और उसी रूप से हमको वो शक्तियाँ प्रदान करने लगता है जिस रूप से हम उसे अपने साथ चाहते हैं। जो लोग पानी बहुत वेस्ट करते हैं, जो पानी को बहुत ज़्यादा खराब करने का काम करते हैं, कई लोगों की आदत होती है नदियों पे जाएंगे वहाँ भी साबुन रगड़ रगड़ के नहाना चालू कर देंगे। मैं उज्जैन गई थी, मैंने देखा कि एक कपल है, बढ़िया आराम से भाई वहाँ पे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं, कंडीशनर लगा रहे हैं, उसके बाद खड़े हैं, क्योंकि कहते हैं ना कंडीशनर लगा के 5 मिनट छोड़ देना चाहिए, तो 5 मिनट तक खड़े हैं और उसके बाद वापस अपना सिर धो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जल को अपवित्र कर रहे हैं और इस अपवित्र जल को करने का दंड आपको ज़रूर भुगतना पड़ता है। चंद्रमा खराब हो जाता है, ऐसा इंसान कभी भी अपने रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस नहीं रह पाता, ऐसे इंसान को धोखे बहुत मिलते हैं, ऐसे इंसान के जीवन में बार 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 उसे गिराने के लिए लोग आकर चुगलियाँ बहुत करते हैं, ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर बहुत आसानी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इसी प्रकार अगर हम जल को पॉजिटिव करते हैं,
प्यार करते हैं जल से, जल को ये एहसास कराते हैं कि आप हमारे लिए बहुत अनमोल हो, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो यही जल आपको बहुत सारी असीम शक्तियां प्रदान करता है। जल के अलग अलग तरह के स्नान होते हैं और हम भी सावन में अलग अलग चीज़ों को मिश्रित करके भोलेनाथ का स्नान यानी कि अभिषेक कराएंगे। पर आप एक छोटा सा कार्य ज़रूर करेंगे, जब भी आप भोलेनाथ को जल अर्पित करने जाएं, आप उस लोटे के ऊपर चंदन से ओम ज़रूर लिख लें और उसके बाद आप 108 बार ओम नमः शिवाय बोलकर उस जल में अपने आप को देखें और उसके बाद ही उसे भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां और दुख, आपके सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं, दुख भाग जाते हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। स्त्रियां ये कार्य ज़रूर करें क्योंकि ऐसा करने से आपके घर के अंदर आपकी वैल्यू होने लगती है, लोग आपको मानने लगते हैं, लोग आपकी कदर करने लगते हैं। सावन में जब बारिश हो, खास करके पुष्य नक्षत्र की बारिश तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, लेकिन जब भी सावन में बारिश हो आप वो जल एकत्रित कर लें। उस जल के अंदर आप या तो दो बूंद शहद डाल दें या आप थोड़ी सी चीनी डाल दें, थोड़ी सी चीनी का मतलब है 4-6 दाने बस। उसके बाद उस जल को आप एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख लें और इस बोतल के ऊपर आप लिखेंगे ओम। किससे लिखेंगे? या तो रेड कलर के पेन से या रोली से, और इसके साथ आप इस पर एक नंबर लिख देंगे और नंबर क्या लिखेंगे? 7125। इस बोतल के जल को अब आपको रोजाना सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर ग्रहण कर लेना है। आप करके देखिए, आपकी लाइफ में इतनी एनर्जी आने लगेगी, पॉजिटिविटी आने लगेगी। साथ ही अगर आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो ये आपको बली बनाएगा, आपका मंगल कमज़ोर है तो आपको ताकत मिलेगी, और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है ना तो ये आपका वो भी कार्य करेगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, तो आप एक छोटा सा कार्य करिए, बारिश का थोड़ा सा जल एकत्रित कर लीजिए, उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में येलो कलर के कपड़े के ऊपर रख दीजिए, इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और साथ ही साथ में इसके अंदर आप बहुत थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए। अब इस जल में से थोड़ा सा जल लेकर रोजाना स्नान करना चालू करिए और उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करना चालू करिए। देखिएगा आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आने लगेंगे, आपका डिप्रेशन, आपकी टेंशन सब भाग जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि हमारा रातों रात काम बन जाए, रातों रात हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, उन्हें एक छोटा सा सरल सा उपाय कर लेना है। बारिश के पानी को स्टोर कर लीजिएगा, किसमें करेंगे? कांच की बोतल में। उस बोतल के नीचे, तलवे के नीचे आप लिख दीजिएगा 2852। उसके बाद आप रात भर इस बोतल को किसी भी ब्लू कलर के कपड़े के ऊपर रख दीजिएगा। सुबह उठते साथ खाली पेट बिना किसी चीज़ को ग्रहण किए आपको ये पानी पी जाना है। करके देखिए, जीवन में मनोवांछित इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। कुछ भूल रही हूँ? नहीं, याद है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि कैसे नंदी महाराज आपको सोना दिलवा सकते हैं, कैसे नंदी महाराज आपके जीवन की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करिएगा, यूं ही बने रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।